तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुग्राम में बीजेपी क्लस्टर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय गुरु कमल पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मुख्यमंत्री मोहन यादव से पार्टी कार्यालय में मुलाकात की है। दोनों मुख्यमंत्री के बीच में चुनावों को लेकर के चर्चा हुई है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ तकरीबन 1.5 घंटे तक बैठक की है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुग्राम के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने क्लस्टर प्रभारियों की बैठक की है। इस दौरान बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। सांसद धर्मवीर सिंह, मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करके लोकसभा चुनावों को लेकर के जोश भरा गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की यह मुलाकात हुई है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। दक्षिण हरियाणा के दौरे पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जहां पर पार्टी कार्यालय पर यह मुलाकात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई है। कार्यकर्ताओं के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है। लोकसभा चुनावों को लेकर के चर्चा हुई है, कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के साथ भी लोकसभा चुनावों के लिहाज से ये चर्चा की गई है। तो लोकसभा क्लस्टर बैठक थी, जहां पर ये चर्चा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ मोहन यादव के द्वारा की गई है। इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह, मूलचंद शर्मा, इनकी भी मौजूदगी रही है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये मुलाकात की है। सांसद धर्मवीर सिंह, मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल, इनकी मौजूदगी भी साथ में रही है, चूंकि दक्षिण हरियाणा के दौरे पर थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहां पर क्लस्टर बैठक का आयोजन किया गया था। गुरुग्राम लोकसभा में आज यहां अपने पार्टी कार्यालय में आया हूं अपने सारे मित्रों के साथ, खास करके हमारे सक्रिय अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग में बैठा था। मेरे साथ जिलाध्यक्ष कमल यादव जी, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, राज्य शासन के मंत्रीगण और मेरी आज यहाँ मुलाकात भी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हमारे अपने मनोहर लाल जी ठक्कर साहब से हुई है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर हरियाणा वालों का स्नेह के साथ नमस्कार भी है, अन्य अत्यंत प्रेम लुटाया, मुझे प्रेम से सुना भी सही, मैंने भी समझा। एक कार्यकर्ता के नाते से आज मैंने यहाँ इस बैठक में बैठा था और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के कार्यकर्ता अपने जितने सरल भाव के, जितने अच्छे भाव से मेरी बात सुनी है, समझी है, मैं जीवन भर ये प्रेम उनका याद रखूंगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज गुरुग्राम के अंदर गुरु कमल में हमारी जो लोकसभा क्लस्टर की मीटिंग हुई, जिसके अंदर 3 लोकसभा आते हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद और भिवानी महेंद्रगढ़, तो उसी के सिलसिले में आज चुनाव प्रबंधन कमेटी की, विस्तारकों की, विधानसभा के प्रभारी और संयोजकों की ये मीटिंग थी। और उस मीटिंग के अंदर जो लोकसभा का चुनाव जल्दी ही होने वाला है, उस चुनाव के मद्देनज़र आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी आए थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को जो दिशा निर्देश दिए कि भाई लोकसभा के अंदर हमें 400 का जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको अचीव करना है और उसके लिए हमें दिन रात हर कार्यकर्ता को मेहनत करनी और संपर्क बढ़ाना है। और जिस तरह से पिछले 10 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जितने इस देश का पूरे विश्व में नाम रोशन किया है और जितने भी जनकल्याणकारी योजनाएं लोगों को दी हैं और एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, जितने भी हमारी सर्विसेज उनको ऑनलाइन करने का काम किया है और घर बैठे गरीब को उनको सुविधाएँ दी जा रही हैं। मंत्री जी, हरियाणा के लोकसभा चुनाव में अब आम आदमी पार्टी की जीत बनी है, देखो भारतीय जनता पार्टी का एक संगठनात्मक पार्टी है और आपने भी देखा होगा पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने जो जनकल्याणकारी योजनाएं दी हैं और आम आदमी का जो हित का ध्यान रखा है, जो पारदर्शिता नौकरियों में हो चाहे वो आपकी योजनाओं में हो, उसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हर कार्यकर्ता, हर वोटर भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है। कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, देखो पूरी तैयारियां हैं और 16 फरवरी को रेवाड़ी के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उस समय भी बहुत अच्छा एक लोगों के बीच में जोश था और बहुत अच्छा हमारा एक कार्यक्रम रहा था। और आज अब जो 11 तारीख को देश के प्रधानमंत्री
गुरुग्राम में आ रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा शो रहेगा। उसके अंदर भी हम लोगों में काफ़ी जोश है, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जितना दक्षिणी हरियाणा के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सौगात माननीय गडकरी जी ने दी हैं और देश के प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, तो लोग काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी भीड़ रहेगी। महेंद्रगढ़ के खेल स्टेडियम में बीजेपी के महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इस सम्मेलन में सांसद धर्मवीर सिंह समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्हें तीसरी बार सरकार बनाने तक कड़ी मेहनत करने का संकल्प दिलाया है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी ही एकमात्र अकेली ऐसी पार्टी है जहां उसमें आम कार्यकर्ता को पूरा सम्मान मिलता है। इसका जीवंत उदाहरण मैं हूं। मेरे घर से किसी ने कभी कोई राजनीति नहीं की, कोई पार्षद भी नहीं बना और पार्टी ने मुझे देश के सबसे बड़े प्रांत का मुख्यमंत्री बनाया। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत किया। तो बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया, लोकसभा चुनावों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से कार्यकर्ता अगर कड़ी मेहनत करे तो बीजेपी में वो किसी भी पद पर पहुँच सकता है। अपना उदाहरण भी उन्होंने दिया कि उनके घर से कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने उनको पूरा सम्मान दिया और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और इस बार भी अब तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनानी है। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आए। तो इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और सांसद धर्मवीर सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। और मेरे मुंह से कई बार भगवान शंकर की कृपा से हमने जो भी महाकाल उज्जैन में भेजे, रामचंद्र सैनी पत्रकार गवाह है, राजेश यादव गवाह है, उन सब ने, मोहन यादव जी ने उनको इतनी सुविधा, महाकाल के ऐसे जोरदार दर्शन कराए। और उस चुनाव में एक गांव में मेरे मुंह से निकल गया था, अरे मोहन यादव, एक दिन भगवान शंकर की बड़ी कृपा आप पर बरसेगी। और जब शिवराज सिंह चौहान ने पर्ची खोली, मोहन यादव चौथी लाइन में बैठे थे, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। मोहन यादव को मालूम ही नहीं था, विश्वास सारंग ने कोणी मारी, मोहन जी आप मुख्यमंत्री हो गए। ऐसा समर्पित कार्यकर्ता, उनके हाथ में मध्य प्रदेश की बागडोर आई। हमने उस समय लड्डू बांटे थे, आज क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और आज माननीय मुख्यमंत्री के 3 कार्यक्रम हैं, 3 लोकसभाओं में। आजकल पूरी होड़ लगी, आज भी सुरेश पंचोली को मोहन जी ज्वाइन करा दिए। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और ये तो घर में थोड़ी तकरार हो गई, नहीं कमलनाथ भी आने को तैयार थे। हमारी हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री, हमारी लोकसभा से लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी, जेपी दलाल साहब, ओम प्रकाश जी यादव जी, हमारे लोकप्रिय विधायक सीताराम यादव, बहन संतोष यादव, डॉक्टर अभय सिंह जी यादव, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु, 2024 का हो गया मुहूर्त है, अगले 5 साल नरेंद्र भाई मोदी की बहुत जरूरत है। ये देश राम का है, हम जितने लोग मंच पर नीचे बैठे हैं, हम सब राम कृष्ण की संतान हैं।
एक उस पार्टी से मुकाबला है जो सनातन को खत्म करना चाहती है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में ये पत्रकार छायाकार मित्र सब जानते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब जैसे ज्येष्ठ पत्र वकील के माध्यम से एफिडेविट किया कि हम राम नाम का कोई व्यक्ति हुआ नहीं, ये कल्पना है। जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया तब उसका बहिष्कार कर दिया। आचार्य प्रमोद कृष्ण है जिन्होंने कहा यह हिंदुस्तान वही देश है, इसकी माता बहनों ने, जिस कौशल्या माता ने राम को अपनी गोदी में खिलाया, जिस कन्हैया को देवकी ने जन्म दिया, यशोदा ने पाल पोस करके बड़ा किया, हम कैसे भूल जाए केकई के कारण राजा दशरथ के प्राण चले गए, राजा राम राज तिलक की बजाय वनवास को चले गए। ये इतना बड़ा समाज है, 10,000 साल पहले की घटना है। आज देश में सीता है, गीता है, सावित्री है, जावित्री है, चंपा है, चमेली है, रितु है, गिनोड़ी है, धापा है, दड़कली है, शोभाई है, भरपाई है, बिमला है, कमला है, सिलोचना है, कविता है, सविता है। गाड़िया लुहार के भी केला की फली नाम की लड़की मिल जाएगी, परंतु के कई नाम की लड़की नहीं मिलेगी। ये समाज है, कांग्रेस और के कई की एक ही राशि है। आचार्य प्रमोद ने कहा था कि कभी ऐसा ना हो कि ये केकई का जब समाज बहिष्कार कर सकता है तो ये कांग्रेस का भी हो सकता है, बहिष्कार कर सकता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री 11 दिन तक नारियल पानी के ऊपर साष्टांग प्रणाम, 45 लोग अब तक अयोध्या में आ चुके हैं। मैं मिथिला से जो लोग आ रहे हैं वो अन्न जल लेकर के आ रहे हैं, वो रेल की बाट नहीं देख रहे, पटड़ी के साथ साथ चल पड़े हैं। हमारी पुरानी परंपरा है कि लड़की के घर का पानी नहीं पीना, आज मिथिला के लोग उसको निभा रहे हैं। अधिक ना कहते हुए मैं आदरणीय मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को और मोहन यादव, आप तो साक्षात महाकाल के सेवक हैं, आपके ऊपर उनकी बड़ी कृपा है। कल सारा दिन आप उज्जैन के महाकाल के समर्पित रहे, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए तमाम कार्यकर्ता और भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हो, पार्षद हो, सब लोग सामने वाली धूप की कुर्सियों पर बैठे हैं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन में सुबह 10 बजे का हमको सूचना थी मान्यवर, ये सारी जनता, संतोष यादव ने कहा था ऊपर ले से, मैंने अभी हॉटलाइन पर बात की है, बादल हो गए हैं, गर्मी कम हुई है कि नहीं हुई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मुखिया मोजिज मेहमान मोहन यादव का महेंद्रगढ़ की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत माता की, महेंद्रगढ़ वाली बात, भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी से, वो आए और अपने विचार रखें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, अभी आपको संबोधित करके गए रामविलास शर्मा जी,
समय की बचत करते हुए सम्मानित मंच और मेरे साथियों, देखिए आपने पिछले 10 साल का भारत भी देखा और 10 साल के बाद ये भारत की तस्वीर बदली है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। ये किसी से छिपी हुई नहीं, हमारे से बाद में जो देश आजाद हुआ चाइना जैसा देश भी हमारे से आगे निकल गया, लेकिन आजादी के बाद कुछ ऐसे आदमियों के हाथ में पावर ट्रांसफर हुई। आप ये मान के चलिए जब अंग्रेज गए तो पूर्ण रूप से आजादी की बजाय किसी एक परिवार को वो पावर ट्रांसफर कर दी गई और उसका नतीजा उन्हीं अंग्रेजों के बताए रास्ते पर ये देश चलता रहा। आप देखते हैं 142 करोड़ का देश और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश को एक योजनाबद्ध तरीके से, योजनाएं 5 साल की नहीं बनाई जो कांग्रेस ने बना रखी थी, यहां बनाई नीतियां और नीतियां भी ऐसी बनाई कि हमने इस देश को 2047 तक विकसित देश बनाना है। इसीलिए आप देखते होंगे वो सारी की सारे काम जो एक विकसित देश में होने चाहिए वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चालू किए। सबसे पहले देश को कनेक्टिविटी के नाम पर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण ऐसी सड़कें बनाई जैसे अमेरिका के अंदर हैं। आप और हम सपने में सोच नहीं सकते थे जो पहले सड़कों का हाल था, मेरे बताने की जरूरत नहीं। आज दिल्ली से बॉम्बे जाना हो, आपने पंजाब और जम्मू में जाना हो, हमें आगरा, लखनऊ और बनारस जाना हो, आप देखिए क्या हाल है। और इसी प्रकार से रेलवे कनेक्टिविटी का काम इस 10 साल के अंदर जिस तेजी से हो रहा है, वही पानी का अगर मामला लें तो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच कि मैंने देश की सभी नदियों को जोड़ना है, इसलिए 99 से ज्यादा 99 प्रोजेक्टों का काम पूरा भी हो चुका है और आने वाले निकट भविष्य में हर खेत को पानी मिले, हर व्यक्ति को स्वच्छ पीने का पानी मिले, इतना बड़ा बजट 47 लाख करोड़ रुपया जहां केंद्र सरकार का बजट है, अगर हम अलग अलग प्रदेशों का बजट देखें, जो पैसा पहले कुछ एक आदमियों की जेब में जाता था, आज वही पैसा केवल आम आदमी के लिए भलाई के अंदर लगता है। ये कांग्रेस वाले कहते थे कि हमने किसान का कर्जा माफ किया एक बार 72,000 करोड़ रुपया दे के, और माननीय प्रधानमंत्री जी तो हर साल 70,000 करोड़ से ज्यादा पैसा किसान के सीधे खाते में दे के जाते हैं। केवल यही नहीं, थोड़े पानी से ज्यादा पैदावार कैसे हो सकती है, क्लस्टर के तौर पर जोड़ों को दोबारा निर्माण करवा के, नहरों को दोबारा रिमॉडलिंग करवा के, सारे देश के अंदर जिस प्रकार व्यवस्था दी है इससे आम आदमी समझ सकता है। और इसीलिए आज विपक्षी पार्टी कांग्रेस का क्या हाल है, मैं पिछले 2 योजना से लोकसभा में हूं आपकी वजह से, माननीय मोदी जी की वजह से कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दल बन चुका है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं बची। विपक्ष का नेता बनाने के लिए जो 54 सीट चाहिए उनके पास 54 सीटें नहीं है, और आने वाले समय में तो लगता है ये संख्या उनकी और घटेगी। आप लोगों ने माननीय मोदी जी के आह्वान पर जहां 10 की 10 लोकसभा सीट अच्छे मार्जिन से जिताई, आपकी ये लोकसभा भी 63% वोट से आई थी, मैं दावा कर सकता हूं इस प्रदेश की जनता और इस देश की जनता हर जगह पहले से ज्यादा मार्जिन बढ़ाएगी, क्योंकि आज ये पार्टी ने, माननीय रामविलास जी ने, ग्रोवर साहब ने, ये केवल चुनिंदा आदमी बुलाए थे और ये मेरे सामने केवल वही आदमी बैठे हैं जिस प्रकार से स्टेज के ऊपर थोड़े से गिनती के बैठ के लिस्टेड आदमी सबके नाम जिसके पास जिम्मेवारी थी वही लोग यहां पर बुलाए गए थे। हम तो बल्कि कह रहे थे जब हमने थोड़े आदमी बुलाए हैं तो हमें अंदर मीटिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन प्रधान जी ने कहा कि नहीं, अगर कुछ ज्यादा सुनने के लिए आगे तो फिर उनको बिठाएंगे कहां। इसलिए ये प्रोग्राम आप लोगों का, उन लोगों का है जो केवल चुनाव को संभालते हैं, जो केवल बूथ के ऊपर या वोट डलवाने का काम करते हैं, बूथ प्रबंधन कमेटी,
केवल वही लिस्टेड लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने बैठे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने भी, अगर हम बजट को देखें, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी आयुष्मान के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर जितना बड़ा पैसा खर्च होने जा रहा है, देश का शायद कोई जगह बची हो जहां मेडिकल कॉलेज ना हो, आईआईटी और आईआईएम, इस प्रकार से एम्स जैसी संस्थाएं। और हम तो बधाई देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, यहां से मात्र 40 मिनट की दूरी पर हमारा दूसरा एम्स भी बनने जा रहा है। और केवल एम्स नहीं, हर व्यक्ति को सुविधा मिले। गरीब आदमी को आयुष्मान कार्ड और चिरायु के माध्यम से 5 लाख की मदद कैसे हो सकती है, इस प्रकार की व्यवस्था शायद दुनिया में कहीं नहीं थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी की वो सोच कि हमने 2047 तक इस देश को विकसित देश बनाना है, और क्योंकि प्रधानमंत्री जी की नई सोच कि नए नया यूथ, नई उम्र के जब टीम तैयार होगी, तो क्योंकि नई टीम में काम करने की क्षमता ज्यादा होती है, जैसे रामविलास जी ने कहा, और उसका जीता जागता उदाहरण है आदरणीय मोहन यादव जी। जब ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे तो न केवल मध्य प्रदेश का बल्कि उसका असर चारों तरफ भी पड़ेगा। और यही कारण है कि आपने 10 साल के दौरान इतिहास देखा होगा, राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, जहां पर भी जाके देखोगे, 10 साल पहले का भारत और आज के भारत में अलग तस्वीर है। आज कांग्रेस पार्टी के पास जब वो इलेक्शन, उनका मैनिफेस्टो आता है, उनकी कमेटी बनती है, और वो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि बताइए कौन कौन चुनाव लड़ना चाहते हो, और चुनाव लड़ने वालों की दरखास्त नहीं आती। लीडर कहते हैं कि इस बार हमें छोड़ दो, क्योंकि मोदी जी की लहर है, हमारी जमानत जब्त ना हो जाए। सिर्फ जमानत जब्त ना हो जाए, इसलिए कोई दरखास्त देने वाला नहीं है आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी का। अब खुद यहां पर भी देख रहे होगे, कहने के लिए मांग लेते हैं मैं टिकट लूंगा या लूंगी, और वहां जाके कहते हैं जी मन में मत लड़ाना। ये हालात हैं सारे देश के अंदर। जैसा मैंने कहा कि पिछली बार फिर सीट बढ़ी आपकी, और मैं इस बात के लिए कि सारे प्रदेश में कहीं पर भी हजारों के नहीं लाखों की अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, और भारतीय जनता पार्टी का हर साल हर बूथ के ऊपर शायद कोई ऐसा बूथ होगा जहां 50% से नीचे वोट हो, और अब तो मुझे लगता है 50% की बजाय ये एवरेज 70% को भी क्रॉस कर जाएगी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी केवल एक प्रार्थना है, आज ये लिस्टेड आदमी हैं जो बूथ को संभालेंगे, केवल वही बुलाए हैं, इसलिए आप हमें वो भी किसी प्रकार का जो आपका प्रोग्राम है मध्य प्रदेश में, उसी प्रकार हम वोटों को ज्यादा से ज्यादा डलवाने का जो आप हमें सुझाव देंगे, हम सारे के सारे वही सुझाव को मानते हुए ज्यादा पोलिंग करके एक रिकॉर्ड बनाएंगे, और प्रदेश में जो हमारे से पिछली बार भूल हुई, इस बार 2/3 बहुमत से प्रदेश में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।